तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 मैथ क्लास 9 जो कि आपको 6 अक्टूबर को प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे पहले अगर आपने 37 नहीं किया तो अपलोडेड चैनल पर विजिट कर लो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज की टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पिछली वर्कशीट वाला चैप्टर सेम कंटिन्यू है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आंकड़ों बारंबारता बंटन सारणी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि डायरेक्ट सारे आंसर आपको एक ही बार में समझ में आ जाए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि आठवीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों के रक्त समूह इस प्रकार है, ए बी ओ ए बी। ये मैंने इधर समझने के लिए लिख रखा है। फिर कह रहे हैं कि बारंबारता बंटन सारणी बनाओ और उसके बाद में कौन सा रक्त समूह विरलतम है, कौन सा अधिकतम है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो करेंगे क्या, इस प्रकार आपको बॉक्स बनाना है। पहले रक्त समूह लिखेंगे, फिर मिलान चिन्ह, फिर विद्यार्थियों की संख्या। अगर विद्यार्थियों की जगह मजदूरों की संख्या होती तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या लिख लेते, बाकी सब सेम होता। अगर रक्त समूह जगह कुछ और होता तो वो लिखते। तो तीन पार्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन बॉक्स बनाएंगे, ये बारंबारता बंटन सारणी के लिए। तो सबसे पहले ए रक्त समूह का ए हमने लिखा। अब ए को काउंट करो, ए कितनी बार है। ए बी के साथ नहीं देखना, ए बी को छोड़ के देखना है क्योंकि ए बी एक रक्त समूह है। तो ए एक हुआ, इसके बाद में ये दो, इसके बाद में ये अलग है तीन, ये चार, ये पाँच, इसके बाद में ये छः, सात, ये सात में ये होगा नहीं, आठ और ये नौ। तो मिलान चिन्ह में कैसे बनाएंगे, देखो एक दो तीन चार ऐसे करेंगे तो पाँच और नौ है ना, फिर पाँच के बाद छः सात आठ नौ, संख्या में साफ साफ लिख दो नौ। ठीक है, अब इसी इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बी आ गया तो फिर यहाँ लिखा बी, बी को भी काउंट करो, बी एक बार है, इसके साथ लेंगे नहीं क्योंकि ए बी एक अलग है, फिर बी दो बार है, फिर बी तीन बार है, फिर ये भी नहीं लेंगे एक साथ है, फिर बी एक चार बार, पाँच छः बार है। तो एक दो तीन चार ये हो गया पाँच और एक छः, इधर लिखा छः साफ साफ। अब बी के बाद किसकी बारी आ गई, ओ की, ओ को काउंट करो, ओ एक बार दो बार तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो बारह कैसे लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर छः सात आठ नौ, ये दस, फिर ये ग्यारह बारह, इधर हो गया बारह। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं, पाँच पर क्रॉस मार देते हैं। अगला बी के बाद क्या बचा, ए बी, ए बी काउंट करो, ए बी वाला ब्लड ग्रुप कितना, ब्लड ग्रुप ए वाला ए बी वाला एक दो तीन, तीन है तो ये लिखोगे एक दो तीन, इसका क्या हो जाएगा तीन। अब टोटल आपको लास्ट में एक बॉक्स और बनाना है, इसमें लिखना है योग। तो इसके बाद में एक बॉक्स और बना लेंगे, इसमें लिखेंगे कुल यानी कि टोटल, कुल इसको जोड़ लो, टोटल कितना हो जाएगा, बारह तीन पंद्रह छः इक्कीस नौ तीस, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अधिकतम और विरलतम रक्त समूह, तो यहाँ लिखेंगे पहले अधिकतम, अधिकतम रक्त समूह। तो अधिकतम रक्त समूह में सबसे ज़्यादा क्या है, नौ छः बारह तीन में बारह है तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का क्या आया, ओ, ओ है। और फिर विरलतम, विरलतम रक्त समूह, तो विरलतम का मतलब होता है कम, सबसे कम कौन सा, इसमें देखो सबसे कम तीन, तीन किसका है, ए बी का है, ए बी होगा। ठीक है, ये आपका हो गया अधिकतम और विरलतम रक्त समूह निकाल लिया मैंने, और ये बारंबारता बंटन सारणी होगी, ये आंसर नंबर वन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अगर कहीं पर डाउट होगा तो बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, कह रहा है कि 40 परिवार में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है, मैंने नंबर लिख दिया समझने के लिए। फिर कह रहा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए, यानी केवल बंटन सारणी बनाना और कुछ लिखना नहीं है। तो मैंने बॉक्स बना रखा है ताकि जल्दी हो जाए, पहला बच्चों की संख्या, फिर मिलान चिन्ह, फिर परिवार की संख्या। अब इसमें टोटल नंबर देखो कितने हैं, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो हम सबसे पहले जीरो लिख लेंगे इसमें से। अब सबसे पहले जीरो एक दो तीन चार है, इसका रूल नहीं है, आप सबसे पहले चार तीन दो एक भी लिख सकते हैं, पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ यानी आरोही क्रम में, पहले जीरो फिर एक फिर दो फिर तीन फिर चार, इसमें ये नंबर है। जीरो कितनी बार इसमें काउंट करो,
तो जीरो यहाँ पर मिला एक बार, फिर दो बार, फिर आगे बढ़ेंगे तीन बार, चार बार और ये पांच बार। तो जीरो कितनी बार है? पांच है। तो मिलान चिन्ह एक दो तीन चार पाँचवें पैसे कर देते हैं और परिवार की संख्या पाँच। क्लियर है? जीरो हो गया। जीरो के बाद एक आएगा। अब एक गिनो इसमें कितनी बार है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है? तो एक नौ बार है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इधर नौ, ठीक है? इसके बाद में दो, दो कितनी बार है गिनो इसमें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह बार है। कैसे लिखोगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह, यहाँ लिखेंगे साफ साफ पंद्रह ऐसे। अगला दो के बाद तीन, तीन कितनी बार है इसमें गिनो। एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार है, ठीक है? तो एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच। अब अगला चार, चार कितनी बार है इसमें। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच एक छः, ये छः। अब एक बॉक्स और बनाओ, क्या लिखोगे इसमें? कुल टोटल ये जोड़ो 40। और ध्यान रखना ये टोटल इनकी भी काउंटिंग 40 निकलेगी, 40 बार ये लिखे गए हैं, ठीक है? तो ये बारंबारता बंटन सारणी बन गई आपके आंसर नंबर सेकंड की। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट 38 कंप्लीट हुई। अगर कहीं पर डाउट है कमेंट कर सकते हो, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।